हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर्स डिलाइट। नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रि में रोज रोज नाश्ते में क्या बनाया जाए ये समझ में नहीं आता, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत के नाश्ते की एक बहुत ही स्वादिष्ट और यूनिक रेसिपी, जो है फलाहारी बर्गर। इसको बनाने में बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया गया है और ये इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप बिना व्रत के भी इसको ज़रूर बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में चावल डालेंगे। अब इसे अच्छे से धो के भिगो के 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, अब हम इसको छान लेंगे। अब हम चावल को मिक्सी में डाल लेंगे। अब इसमें दही डालेंगे और इसका घोल बना लेंगे। अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चावल हैं वो भी भीगे हुए हैं और दही में भी थोड़ा बहुत पानी होता है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, हमारा घोल रेडी हो गया है। अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बैटर रेडी हो गया है। अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें जीरा डालेंगे, कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, काजू डालेंगे, बादाम डालेंगे, किशमिश डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप लाल मिर्च नहीं अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और आलू भी पूरी तरह मैश हो गए हैं। अगर कोई बीच में रह गया तो उसको आप दबा दबा के मैश कर सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, इसमें स्टैंड रखेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले कटोरियों को ग्रीस करेंगे। डालेंगे और इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और इसको हल्के से मिक्स करेंगे। अब इसमें बैटर डालेंगे। इसमें बैटर से हमारी 5 कटोरियों का सामान रहना है, क्योंकि इसको ऊपर तक नहीं भरना, क्योंकि ये थोड़ा सा फूलेगा भी। अब हम प्लेट को कढ़ाई में रखेंगे और एक एक करके इसके ऊपर ये कटोरी रख देंगे। नहीं आ रही है, 4 बनाएंगे और एक मैं उसको बाद में बना लूंगी। अब इसको ढक देंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो स्टीम है वो कहीं से भी बाहर ना निकलने पाए और इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। ये हमारे बर्गर रेडी हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये कटोरियाँ ठंडी हो गई हैं, अब हम इसे चक्कू की सहायता से डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे हल्के हाथों से काट लेंगे।
ऐसे ही बाकी बर्गर भी काट लेंगे। अब हम एक बर्गर लेंगे, इसके ऊपर ये हरी चटनी लगाएंगे। इसके ऊपर जो हमने ये आलू का मिक्सचर बना के रखा था ये लगाएंगे। दूसरा बर्गर उठाएंगे, इसके ऊपर चटनी लगाएंगे। और इसको कवर कर देंगे। ये देखिए, ऐसे ही बाकी बर्गर भी रेडी कर लेंगे। अब एक पैन गरम करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे, इसके ऊपर बर्गर रखेंगे। अब इसको ध्यान से हल्के हाथों से पलट देंगे। ये हमारा एक तरफ से सिक गया होगा, चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से सिक गया है। अब दूसरी तरफ से भी एक दो मिनट के लिए सेक लेंगे, कर लेते हैं दूसरी तरफ से। ये हमारा अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, और बाकी बर्गर भी इसी तरह सेक लेंगे। ये देखिए हमारे एकदम परफेक्ट बर्गर बने हैं। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। एंजॉय, बाय बाय।